अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। बात करते हैं वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की। वजीर आजम गिलानी किसी जिद्दी बच्चे की तरह डट गए थे कि वो ऐवान सदर से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं और आखिरकार इसी खत लिखूं या ना लिखूं की कश्मकश में 30 सेकंड की सजा तो मिली, लेकिन दुनिया के पहले सजा याफ्ता वजीर आजम होने के एजाज के साथ साथ आर्टिकल 63(1)(g) की शक्ल में ना अहलियत की तलवार सर पर लटकने लगी। अब गिलानी साहब क्या करें, क्या मियां साहब का मशवरा मान लें जिन्होंने वजीर आजम से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है और साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी से भी पूछा है कि वो कितने वजीर आजम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गिलानी साहब की ना अहली के बाद अगर आने वाली या आने वाला वजीर आजम खत नहीं लिखेगा तो इस पर भी तौहीन अदालत का इल्जाम लगेगा। क्या होगा, क्या वजीर आजम सदर के खिलाफ खत ना लिखकर वफादारी के साथ उन्होंने ये सबूत दिया है या सियासी समझदारी का सबूत दिया है, और क्या अब वजीर आजम गिलानी हीरो बन गए हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिदीक अल फारूक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी ने। अस्सलाम वालेकुम। अदालत फैसला आने के बाद कन्विक्टेड वजीर आजम ने काबिना के पहले इजलास कंडक्ट किया है और उन्होंने कहा कि हमारा मौकफ है कि सियासत एक ड्रोनी फिल्म है जो सिर्फ बालिगों के लिए है और कोयले के काम में कारोबार में हाथ तो काले होते हैं। फवाद चौधरी साहब, इससे मुराद क्या है, क्या वजीर आजम का उसूली मौकफ क्या था, क्या अदलिया का हुक्म ना मानकर अपने आप को बालिग साबित करना, और कैसा कौन सा काम उन्होंने किया है कि उनके हाथ काले हो गए? देखिए पारिस, पहले तो मुझे थोड़ा सा एतराज़ है आपके इंट्रो के ऊपर। कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर आप बार बार ऐसे कह रही हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता वो किसी कत्ल के मुकदमे में कन्विक्ट हो गए हैं। एक पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल अदालतें हैं, पॉलिटिकल नहीं ऐसे ना कहें। वो किस केस में कन्विक्टेड है, उनको ये कन्विक्शन है कि उन्होंने अपनी प्रेजिडेंट और अपनी पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने से इनकार कर दिया, ये कन्विक्शन है उनकी। ये कन्विक्शन है उनकी कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो के ट्रायल कराने से इनकार कर दिया। तो ऐसी कन्विक्शंस तो हजार हाँ मिलेंगी और उन्हें तो मुबारकबादें मिली हैं इस कन्विक्शन के ऊपर। ये कन्विक्शन नहीं होती हैं जहां पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजेस बैठ करके एक वहां पर कोई सजाएं सुनाना शुरू कर दें, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। आर्टिकल 63 काले हो गए हैं जो वो कह रहे हैं कि उनका हाथ, उन्होंने ये काम, वो हाथ उनके, उन्होंने ये काले हो रहे हैं उस, वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें वो 18 करोड़ लोगों की एग्जेक्टिव अथॉरिटी के मजहर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यूसुफ रजा गिलानी एक नाम नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों की वोट लेके आए हैं और लोग वोट उन्हें मिले हैं बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सदके। 18 करोड़ लोग ये चाह रहे थे कि वो खत ना लिखें। यस, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी फैसला करती है कि क्या करती है, और जो फैसला प्राइम मिनिस्टर का है वो विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। वजीर आजम ने कहा कि कोयले के काम में हाथ तो काले होते हैं। सिदीक अल फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मुराद आप लेते हैं उनके इन बयान से? मैदान सियासत में आना कोयले का कारोबार था, अदलिया का हुक्म ना मानना कोयले का कारोबार था, या फिर सदर की हिमायत में खत ना लिखना कोयले का कारोबार था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पारस खुर्शीद, शुक्रिया। देखिए, सियासत जो है, जिस तरह इल्म अंबिया की मीरास है, इसी तरह सियासत भी अंबिया ही की मीरास है। सियासत रियासतों की और रियासत के अवाम के मामलात को दुरुस्त करने का नाम है, एतमाद का नाम है, अमन का नाम है, कानून की हुक्मरानी का नाम है। तो अगर ये जो असल में मुहावरा है वो है कोयलों की दलाली में मुँह काला, अगर कोई सियासत को ये कोयलों का कारोबार या कोयलों की दलाली कहता है तो फिर मैं तो उसके अकल पर मातम ही कर सकता हूँ। रह गई ये बात जो फवाद चौधरी साहब ने ये कही है, पॉलिटिकल जज, तो इस अदलिया की बहाली के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी ने भी जद्दोजहद की। अगर ये पॉलिटिकल जज थे तो पीपल्स पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए था, और बेनजीर साहिबा को ये नहीं कहना चाहिए था। एक लम्हा तो बेनजीर साहबा को ये नहीं कहना चाहिए था कि इफ्तिखार चौधरी मेरे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं और मैं झंडा ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और जमहूरियत में है, और इसी जमहूरियत ने, इसी कौम ने आइन दिया है, और जब आइन होता है वो अमरीका में हो, बरतानिया में हो, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, कई किसी भी जमहूरियत में,
आइन ही बाला लेकिन सदीकर फारूक साहब मुझे बात बताइए आज जो ये फैसला ठीक है आज जो ये फैसला आया है अदालत का उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी जैसे तमाम कायरा साहब ने कहा कि आज का फैसला वजीर आजम के लिए एजाज की बात है हमने मुल्क का वकार हमने पार्लियामेंट का वकार हमने ओहदे का वकार जो है वो बुलंद किया है क्या क्या फवाद चौधरी साहब क्या ऐसा काम था कन्विक्ट हो और वज़ीर आज़म ने ये कहा पाकिस्तान ने आर्टिकल 248 को जो है एक ये बात रखा है उन्होंने आइन के ऊपर खड़े रहे उन्होंने कहा मैं खत लिखूं तो फांसी ना लिखूं तो तौहीन अदालत तो मैं तौहीन अदालत करूंगा और 6 माह जेल जाऊंगा जब वजीर आजम ऐलान करे कि वो तौहीन अदालत का इर्तिकाब करेगा बजाय इसके कि अदालत के फैसले पर अमल करना जो उसका आईनी फरीजा है तो फिर उसके बाद बाकी क्या बात रह जाती है और रह गई वो लोग जो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एजाज है फारूक साहब की लीडरशिप के ऊपर ये मरहला आया था इस वक्त कोई मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है इस वक्त कोई मार्शल लॉ की अदालतें नहीं है अभी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमें बता रहे हैं फैसलों पर अमल करना ही एजाज है इसके फैसलों पर अमल न करने से मुंह काला होता है आप फवाद चौधरी साहब की भी बात सुन लेना वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला फिर आपने भी किया था ना उन्होंने भी ये बात की आपकी तरफ से आज की हो रही है बात तो ये जो बात कहते बात हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात फारूक साहब उस पार्टी के नुमाइंदा हैं जी जी बात कीजिए बात कर ले चौधरी साहब बात कीजिए चले आप बात ये है सदीकुल फारूक साहब देखें अदाल आप एक सियासी जमात के आदमी हैं पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है ऐसी इंटरप्रिटेशंस ना दें कि कल आपको भी अक्सरियत हासिल हो तो ये अदालतों में कोई 2 जज या 4 जज मिलकर के पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को निशाना बनाए 1997 में यही एपिसोड नून लीग के साथ हो चुकी है सजाद अली शाह साहब ने उस दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ क्या किया रोजाना उठा के नवाज शरीफ साहब को उठा के बुला लिया और आप लोगों को उस एक्सटेंट पे आना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ और जजों को उठा के बाहर फेंका गया ये आज पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है जो 3-3 बार जो है वो पैदल चल के जाता है सुप्रीम कोर्ट और कोई आदमी साथ नहीं जाता इस चीज की रिस्पेक्ट करें फारूक साहब आप जवाब दीजिए फिर जरा आगे चलते हैं जी मैं ये अर्ज करता हूं जी कि सुप्रीम कोर्ट एक वो सुप्रीम कोर्ट थी जो मिली हुई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट से एक वो आदमी जो ये आपके साथ मिली हुई है सीनियरिटी में चीफ जस्टिस का अहल ही नहीं था एक लम्हा और 2 एडहॉक जजेस को लेके वो पूरी अदलिया के से हट के फैसले देने की कोशिश कर रहा था और फिर अपने ब्रदर जजेस ने उसको हटा दिया एक वो सुप्रीम कोर्ट है मैंने अर्ज किया जिसको हम सब ने मिलकर बहाल किया और सब उस पर एतमाद कर रहे हैं इसके फैसलों पर आप सुन लें आपकी कोशिश यही है फवाद चौधरी साहब मैं जातियात पे नहीं जाना चाहता आप मेहरबानी करें जरा सुन लें अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जरूरी है लेकिन आप खुद ही अपील में भी अब जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कन्विक्ट तो हो गए अब जब आप अपील में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे लेकिन अखलाकी बोहरान जरूर है आप बिल्कुल अखलाकी बोहरान आप कह रहे हैं आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप आज अप्रिशिएट भी करें मुझे ये बताइए कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक मेयार कायम किया कि वजीर आजम के खिलाफ भी सजा सुनाई जा सकती है कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में इसी तरह के कोई बोल्ड डिसीजंस लेती है क्या आप सुप्रीम कोर्ट को उनके साथ होंगे और याद रखिएगा मेहरान बैंक स्कैंडल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो रही है और 5 करोड़ का इल्जाम आ गया नवाज शरीफ साहब ने ये कहा और पारस मैं ये बात आपके इस चैनल के जरिए नहीं पहले भी मैं कह चुका हूँ आज रिपीट करता हूँ कि हमने पहले भी ये टीवी टॉक शोज में भी कहा कि आप मेहरान स्कैंडल जो भी है वो लेके आए जी। मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून का दोहरा मैयार इंशाल्लाह नहीं है ना होगा ठीक है जो फैसला अगर हमारे खिलाफ भी आया हम मानेंगे आखिर कोई वक्त तो हो रूल ऑफ लॉ पारस मुझे सिर्फ पारस मुझे सिर्फ बाकी करीब में इनको याद करा देने कि चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको खिलाफ फैसले दिए थे ये उसको डोगर कोर्ट कहते थे ये उस सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते थे सड़कों के ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब अपनी मर्जी के जजेस बैठ जाएं अपनी मर्जी के फैसले हो जाएं तो फिर तो मुस्लिम लीग नून कहती है इस्तीफे दे दो